वेलकम टू सजीर भाई गुरु में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है TVS कंपनी का इंट्रोक 125 सीसी वाला इंजन। और इस बाइक में क्या हो रहा है, जो बैटरी चार्ज बैठ जा रहा है, यानी कि ये नया बैटरी लगाया है, ये बैटरी भी नया है और मैंने फिर दूसरा बैटरी लगाया है, और गाड़ी का जो बैटरी था वो बैटरी जैसे कि एक मैकेनिक भाई के पास था। यानी कि इस बाइक में जो बैटरी अभी तक लगा हुआ है, तीन बैटरी, तो मुझे लगता है ये भी बैटरी नया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, जैसे एक महीना। और अभी फिर मैंने लगाया एक एमरोन कंपनी का बैटरी, ये भी नया है, तो इस बैटरी से भी फिलहाल स्टार्ट हो रहा है। बट ये जैसे कि एक दिन या दो दिन जाएगा ऑटोमेटिक बैटरी बंद हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं तरीका बताता हूँ इस वीडियो में, जो एक्चुअली बैटरी चार्ज ना देने का रीज़न क्या है, कैसे हम लोग पहचाने जो एक्चुअली क्या फॉल्ट हुआ है। इस वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे सवाल दूर हो जाएंगे और बैटरी चार्ज जो प्रॉब्लम है समस्या भी समस्या समाधान हो जाएंगे। तो यानी कि आप लोग वीडियो में जुड़ा रहे हैं, हम एक एक तरफ से आप लोगों को बताएंगे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो सो गाइस, सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे जो मल्टीमीटर में हम लोग को स्टार्ट करने के बाद 14.5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलो मैं आपको बताते हैं, 20 में करके और मल्टीमीटर में लगाया 12.61 वोल्ट आ रहा है। चलो स्टार्ट मारो, स्टार्ट मारो, पिकअप दो, 12.80 वोल्ट के आसपास में आ रहा है। रुको 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 रुको, यानी कि चार्ज यहाँ से नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक बैटरी का टर्मिनल खोलेंगे, मार्तुल दीजिए वाला। अगर बैटरी का टर्मिनल अगर हम लोग खोल ले और बाइक बंद हो जाता है तो हम लोगों का प्रॉब्लम समझ में आ जाता है एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो चलो बैटरी का टर्मिनल हम खोलते हैं। यानी कि बैटरी का टर्मिनल खोलने पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, देखिए बंद हो गया है। और यहाँ किक पर स्टार्ट मारेंगे, नहीं हो रहा है। यानी कि अभी जो बाइक चल रहा है ना, हम लोगों का बाइक जो चल रहा है डीसी वोल्टेज से चल रहा है, एसी वोल्टेज बाइक में नहीं मिल रहा है। अब एसी वोल्टेज हम लोग चेकअप कैसे करें इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए, ये जो हम लोग का कपलर है, एक पीला कलर एक ब्लैक कलर, ये कपलर हम लोग का एसी वोल्टेज आएगा आर्मेचर कॉइल के और इंजन से। हम लोग यहाँ चेकअप करेंगे लैंप लगा के और किक का उपयोग करेंगे। अगर हम लोग का किक मारने से यहाँ अगर हम लोग का वोल्टेज मिल रहा है तो आर्मेचर कॉइल फिर सही है और वायरिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने एक एक वायर लगा दिया, अब बाइक का किक मारूंगा। चाबी बंद रख के रखो, अगर स्टार्ट हो जाएगा तो लैंप कट जाएगा। तो गाइस, यहाँ हम लोग को लैंप हरगिज हर हाल में नहीं मिल रहा है, अब हमको पता चल गया है जो क्या काम करना है। तो गाइस यहाँ देखिए, इंजन में हम लोग को दिया जाता है एक आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल कोई वायर कट गया है या जल गया है या कुछ हो गया है। तो चलिए वीडियो में जुड़ा रहे, आप लोगों को हम बताते हैं, खोलते हैं। खोलने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा जो एक्चुअली आर्मेचर कॉइल के अंदर क्या समस्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो सो गाइस, देखिए ये हम लोग आर्मेचर कॉइल है और यहाँ देखिए एक वायर कटा हुआ है। देखिए देखिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, एक वायर ये कटा हुआ है और एक वायर यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला वायर कटा हुआ है। अब यानी कि ये वायर को अगर हम लोग जोड़ कर दें तो हम लोग का बात बन जाएगा और चार्ज भी हम लोग को देगा। तो चलो इसको हम लोग लगाने की तैयारी करते हैं। हम लोग चेकअप करेंगे जो मल्टीमीटर से हम लोग का शो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको ये पॉइंट लगाने के बाद भी हम लोग को फिर देखना है। तो गाइस देखिए, हमने कंटिन्यू कर रखा और कोई भी अभी तक शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलो तार को जोड़ लगाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने चक्कू से सफाई कर लिया है, ठीक है, सफाई कर लिया है अच्छी तरह से, यानी कि यहाँ ज्वाइंट करेंगे। तो चलो ज्वाइंट करते हैं। कटनी दीजिए, कटनी। तो गाइस यहाँ हमने ज्वाइन कर दिया है और इसे कोई समस्या नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस यहाँ से हम लोग का वोल्टेज जाएगा। अब मल्टीमीटर से हम लोग आप प्रूफ करके दिखाते हैं जो शो करेगा, बीप बजेगा।
गाइस देखिए बीप बज रहा है, यहाँ काम कर रहा है, यानी कि एक ही तार हम लोग का कटा हुआ था और इसका कारण चार्ज नहीं हो रहा था। चलो इसे हम लोग फिट करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, लैम्प की मदद से हम लोग यहाँ वोल्टेज चेकअप करेंगे, जो वोल्टेज हम लोगों का लैम्प जल रहा है कि नहीं, इग्निशन ऑफ करके बाइक स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ लैम्प अगर जल गया तो हम लोगों का आर्मेचर कॉइल सही हो गया। तो चलो मैं देखता हूँ। यहाँ लैम्प हम लोग का बराबर जल रहा है और कोई नहीं रोक सकता, बैटरी चार्ज हम लोग का आसानी से हो जाएगा। चलो लगाते हैं और मल्टीमीटर दीजिए रहा था, अब 14 वोल्ट आएगा, ठीक है। चलो बाइक को स्टार्ट करो, मारो किक मारो। देखिए गाइस, यानी कि मीटर मेरा थोड़ा ख़राब है इसीलिए 14 वोल्ट के ऊपर दिखा रहा है, यानी कि देखिए 14 वोल्ट आसानी से हम लोग का स्टार्ट देने पर आ गया। मीटर हमारा ख़राब हो गया है, थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था, लेकिन 14 वोल्ट नहीं आ रहा था इस बाइक में। और बाइक में टर्मिनल भी खोल लेंगे तो भी हम लोग का जैसे कि स्टार्ट रहेगा। इसको ड्राइवर दीजिए गाइस, ठीक है। और बैटरी का टर्मिनल हम खोल भी लें तो बाइक स्टार्ट बंद नहीं होगा, बाइक चलेगा। देखिए हमने टर्मिनल खोल लिया है और अभी भी बाइक का स्टार्ट है। देखिए टर्मिनल खुला हुआ है, देखिए। चलो बंद करते हैं। तो सो गाइस आप लोगों ने क्या देखा, TVS इंट्रोक स्कूटी अगर आपके पास आता है, बैटरी का समस्या होता है, तो फटाफट आप लोग बार बार बैटरी चेंज मत करो, पहले चेकअप करो जो वोल्टेज 14 वोल्ट के ऊपर आ रहा है कि नहीं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे एक्चुअली कहाँ प्रॉब्लम है। तो मैंने देखा वहाँ 14 वोल्ट नहीं आ रहा था, 12 के आसपास में आ रहा था। और फिर मैंने डायरेक्ट चेकअप किया, जो आर्मेचर कॉइल से जो कपलर है उसमें हमने लैम्प लगाया और लैम्प की मदद से हमें पता चला जो एक्चुअली आर्मेचर कॉइल हम लोग का ख़राब है। तो इससे हमने पहचाना क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। और मैंने खोल के देखा एक वायर कटा हुआ था, मैंने फिर इस वायर को ज्वाइंट किया और बाइक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये छोटा मोटा चीज़ भी मैकेनिक भाई को सोचना है, सिर्फ बदलने से काम नहीं बनेगा। तो काफ़ी सारे चीज़ होता है मैकेनिक के ऊपर डिफरेंस करता है। तो आप लोगों को एक्चुअली करके दिखाया, जो इस बाइक में बैटरी की समस्या नहीं हुई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने एक्चुअली करके दिखाया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।